हेलो एवरीवन। शहरी वेदर में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल है और ये मंथ अप्रैल का स्टार्ट हो गया है। और इस मंथ के स्टार्ट में ही आप लोग ने जैसे देखा कि कल मुल्तान में काफी हैवी हेल स्टॉर्म हुआ है, और वो भी अनयूजुअल सा हेल स्टॉर्म था। लाला बारी जो हुई है कल मुल्तान में काफी ज्यादा शदीद हुई है, और जिसकी वजह से फसलों वगैरह को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जो इस ईयर इस मंथ की जो फसल है इस सीजन की, वो आगे प्रॉब्लम करेंगी पाकिस्तान में भी, क्योंकि हेल स्टॉर्म और झालावाड़ी जो है फसलों को काफी नुकसान, शदीद नुकसान पहुंचा रही है। अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह का निजाम है इसमें। बाकी है कि वेदर में जो क्लाइमेटिक चेंज आया है, एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है ये। और तश्वीश की बात है कि जो बारिशें अप्रैल और मई में होती थी, वो मार्च में ही हमें देखने को मिल रही हैं। तो करंट कंडीशन अभी जो अपर पंजाब की है, वो स्टिल अभी भी वहाँ बारिश हो रही है और आज भी काफी बारिश का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन कराती है। इसके ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है जा चुका है, और एक अफगानिस्तान से एक और आ रहा है, जो कि बारिशों का बाइस अपर पंजाब में और केपी के रीजन और गिलगित के इलाकों में काफी हैवी रेनफॉल कर रहा है। तो ये आज भी बारिश होगी, और इसके बाद जो बारिश का सिस्टम आएगा वो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अप्रैल के मिड में, और ये वो थोड़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अगर हम कराची और सिंध की बात करें बाकी इलाकों की, तो फिलहाल अभी तो कराची का वेदर और सिंध का वेदर जो है खुशगवार है, और 30 से 31 कराची का टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, लोकल डेवलपमेंट जो होती है ना, उससे कोई प्रिडिक्शन उसमें कोई कर नहीं पाता, क्योंकि उसको प्रिडिक्ट करना मैं बताऊं मुश्किल होता है किसी भी फोरकास्ट के लिए। किसी भी मतलब अगर कोई भी फोरकास्टिंग करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो लोकल डेवलपमेंट होती क्या है, लोकल डेवलपमेंट वही होता ही है कि उनको मॉइस्चर फीड हुई, बारिश हुई, वेपर बने, और वहीं पे बादल बन के वहीं उसी थोड़े से एरिया में बारिश हो जाती है, और बाद वक्त तेज बारिश होती है, महदूद एरिया में होती है, तो उसको लोकल डेवलपमेंट बोलते हैं ना। तो वो ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होती और ज्यादा ट्रेवल नहीं करती रहे। तो लोकल डेवलपमेंट अगर हो सकती है तो अपर सिंध के एरिया में हो सकती है, बाकी हैदराबाद कराची में कोई मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग रही। हालांकि मॉइस्चर बायरा अरब से काफी आ रहा है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कराची में कोई सच एक्टिविटी बारिश की नहीं है। अगर आप लोगों को कह रहा है कि कराची में बारिश होगी, तो कराची में भी बारिश नहीं होगी। वो जिस दिन बारिश कराची में होगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। बाकी है कि मेरी फोरकास्ट का वेट कर लिया करें, थोड़ा सा टाइम नहीं होता, बस और भी मसरूफियात होती है। काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का काइंडली वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।